मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक टवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल DPS अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। विकास चौड़िया की साड़ी की दुकान है देवडूंगरी रोड ओसवली मोहल्ला पर। वहाँ पर सीकर के कोई दो युवक आए गाड़ी से और उन्होंने पैसे के लेन देन बकाया होने की बात से उनसे तकाजा करने का प्रयास किया और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी और दुकान से उस विकास चौड़िया जो हमारा प्रतिवादी है उसको खींच कर जबरन बाहर उनकी खड़ी गाड़ी में पटक दिया और ले जाने का प्रयास किया। मोहल्ले वाले लोग आ गए और लोगों ने छुड़ाने का प्रयास किया तो बड़ी मुश्किल से विकास चौड़िया बच करके सामने वाले मकान में जा करके छिप गए। उसके बाद में तुरंत मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और हमारे द्वारा शांति भंग के आरोप में दो युवकों को वहां गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण दर्ज कर लिया गया। जांच जारी है, बाकी लोगों की तलाश करेंगे और गिरफ्तार करेंगे। प्रथम दृष्टया मामला क्या सामने आ रहा है, लेन देन को लेकर? कोई पुराना शामलाती व्यापार था ब्यावर और अजमेर में, उस व्यापार के दौरान घाटा हो गया और एक पक्ष सारा ही बिजनेस वाइंड अप करके चला गया। उसके बाद में बाकी साथियों से इनका सेटलमेंट हो गया और इससे कोई सेटलमेंट हुआ नहीं, तो उस चक्कर में ये लोग इसे सेटलमेंट करने के प्रयास में इसका अपहरण करना चाह रहे थे। सर, अभी दो को राउंड अप किया है, उसके अलावा भी कोई और आरोपी है जिसकी तलाश है? उनके अभी पूरे नाम भी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, अनुसंधान से स्पष्ट होगा आगे, शीघ्र पकड़ लेंगे।